राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आज सहकारिता विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप मुख्य रूप से शामिल हुए। सहकारिता विभाग की इस बैठक में विभाग योजना और अधिकारियों के काम को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारिता विभाग को खास तौर पर हमारे देश के गृह मंत्री जी ने फोकस किया है, इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम सहकारिता के कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। इसके आगे मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि गृह मंत्री जी ने कहा है कि केवल हम धान की खरीदी तक सीमित न रहें, मत्स्य पालन हो, डेयरी उद्योग हो और अच्छे से हम अपने आप को साबित करें। वहीं हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस लगातार मिठाइयों का ऑर्डर दे रही है पर उठा नहीं पा रही है, इसलिए उन्होंने इस बार जलेबी का ऑर्डर दिया था लेकिन वो भी नहीं चल पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि उन पर अब जनता का विश्वास नहीं रहा। देखिए, पहले जो स्थिति थी और अब सहकारिता को विशेष तौर पे हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने फोकस किया है और हम सबका दायित्व बनता है कि हम सहकारिता का कार्य क्षेत्र को हम बढ़ाएं और दृष्टि से लोगों को तैयार भी करें। अभी जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि केवल हम धान खरीदी तक सीमित न रहें, हमारा मत्स्य पालन हो, डेयरी उद्योग हो या लघु और उपज की दृष्टि से भी हम अपने आप को साबित करें, और वैसे तो कर ही रहे हैं लेकिन और उसको बड़े स्केल पे हमको करना है, उस दृष्टि से हम लोग इसमें कार्य योजना बनाए हैं। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर जो हम अल्पकालीन जो ऋण देते हैं, लगभग अभी मैं देख रहा था लगभग 6700 करोड़ से ऊपर का अल्पकालीन ऋण इस वर्ष दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक सबसे अच्छा उदाहरण अल्पकालीन ऋण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ प्रस्तुत करता है। और इस दृष्टि से हम और क्या अच्छा हो सकता है इन पर हम आज चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हमारे इस वर्ष का जो नया लक्ष्य है 500 हम नए पैक्स का निर्माण हम करेंगे, स्थापित करेंगे पूरे प्रदेश में। 4 हमारे जो सहकारी बैंक हैं उनको फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया है, और आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि अपेक्स बैंक की एक शाखा वर्तमान में खोली गई है। उसी तरीके से जिला सहकारी बैंक के 4 हमारे कहते हैं शाखाएं भी उन्नयन की गई है।